तो चलिए जी, JKP की एक MCQ सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे 2500 वाली, वो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज डे 12 आपके सामने आ चुका है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। पुरानी वाली वीडियोस अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, PDF अवेलेबल है टेलीग्राम पे, वहां पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन 251 नंबर है, क्योंकि 250 तक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अम्बारन इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन जम्मू कश्मीर लोकेटेड ऑन राइट बैंक ऑफ चेनाब रिवर, वेयर इज द प्लेस। मतलब अंबारन जगह जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के राइट बैंक में सिचुएटेड है। आपको बताना है अंबारन है कहाँ पर, किश्तवाड़ में, डोडा में, उधमपुर में या अखनूर में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अखनूर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, बुद्धिस्ट साइट है जहाँ पे दलाई लामा भी विजिट कर चुके हैं, तो बुद्धिज्म के यहाँ पे जो है वो पता लगता है कि बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन किस तरह से हो रहा था। तो अंबारन एक फेमस जगह है, अखनूर में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 की बात करें, कहा जा रहा है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम आपको बताना क्या हो जाएगा। मेरकुला की बात करें तो ह्यून्स में आ जाते, इसको छोड़ दो, बाली तो लास्ट रूलर हो जाएंगे। दुर्लभवर्धन की बात करेंगे, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या था, दुर्लभवर्धन। और कई बार पूछ जाता है कि कारकोटा डायनेस्टी के फेमस रूलर्स का नाम क्या था, ललित आदित्य। ललित आदित्य मुक्तपीठ की बात करेंगे, आप नाम सुने होगा, फेमस सन टेम्पल है कश्मीर का, उनके द्वारा बनवाया गया था। तो ललित आदित्य मुक्तपीठ की बात करें, वो इसी कारकोटा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, बाकी हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आप हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की पढ़ सकते हो, इंडियन हिस्ट्री पढ़ सकते हो, रीजनिंग पढ़ सकते हो, सब कुछ पढ़ सकते हो। या फिर आप हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर विजिट कर सकते हो, वहां पर भी कोर्स चल रहा है, आप वहां पर जाके भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस चल रही है, वीकली आपके टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाती है, मॉक टेस्ट भी आपको बाद में अपने आप वहीं पर मिल जाएगा, अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। आज भी ज्वाइन करोगे, कोर्स आराम से कंप्लीट होगा, सिलेबस आने के बाद डिफिकल्टी आना स्टार्ट हो जाएगी आपको। क्वेश्चन 253 में कहा जा रहा है, माउंट हरमुख की बात करेंगे, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। माउंट हरमुख की बात करें, जम्मू कश्मीर की कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, श्रीनगर, पुंछ, गांधरबल या बारामूला में। माउंट हरमुख की बात करेंगे, ये हिंदुज्म की बात करेंगे, एक पवित्र इसे मतलब पर्वत भी माना जाता है, तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस माउंट हरमुख की बात करेंगे, कैलाश कहा जाता है इसे, कैलाश ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कैलाश ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, आप क्या बोलोगे, माउंट हरमुख को कहा जाता है। अगर हाइट की बात करें तो 5000 से ज्यादा हाइट आती है, तो इसकी एलिवेशन जो आपको देखने को मिलती है वो कितनी आपको देखने को मिलती है, 5142 मीटर की इसको हाइट आपको देखने को मिलती है। तो मेन आपको याद रखना, माउंट हरमुख की बात करेंगे, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, कैलाश ऑफ कश्मीरी से कहा जाता है। फिलहाल इतना याद रखिए, आने वाले टाइम पे और भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, वीडियो से लेकर तो वीडियोस को शेयर करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 254 में कहा जा रहा है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी इन जम्मू कश्मीर। ये ऐसे क्वेश्चन JKS भी पूछता रहता है कि लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे जम्मू कश्मीर में। चार तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो संग्राम राज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर आपने हिस्ट्री पर आपको पता हुआ, क्योंकि दीदा हुआ करती थी शेम गुप्त से, शादी की थी शेम गुप्ता की, डेथ हुई थी, खुद सब कुछ संभाल लिया था। लोहारा आज के जो पूंछ वाला इलाका से कहा जाता है ना, तो किस तरह से सारा सिस्टम चला था। तो जो लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर है वो कौन है, वो संग्राम राज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 255 की बात करें, कहा जा रहा है, हाउ मैनी सोडियम एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम परऑक्साइड। एक मॉलिक्यूल अगर हम सोडियम परऑक्साइड का ले लेंगे तो उसमें कितने एटम आपको देखने को मिलते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2O2। तो सोडियम का फॉर्मूला Na है, कितने एटम आपको देखने को मिल रहे हैं, दो एटम आपको देखने को मिल रहे हैं, तो 2 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। संकेन की बात करेंगे, किसका फेस्टिवल आपसे वो पूछा जा रहा है। चार तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, जैन, बुद्धिस्ट, सिख या क्रिश्चियन। तो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट की बात करें, इनका एक फेमस फेस्टिवल है, इसे फेस्टिवल ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में अप्रैल मई के महीने के आसपास इस टाइम पे सेलिब्रेट कर जाता है, तो मेनली आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट कर जाता है, बुद्धिज्म से रिलेट करता है, फेस्टिवल ऑफ वाटर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजंट प्रिसीड द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल हमारे सामने आता है, जो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी हमारा पॉलिटी ही चल रहा है, एप्लीकेशन में लाइव क्लासेस भी चल रही है, प्रियम्बल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वर्ड ऐसा प्रिसीड, मतलब पहले रिपब्लिक से पहले कौन सा वर्ड इनमें से नहीं आता। चार तरह के ऑप्शन दिए गए,
तो देखिए अगर हम लाइन की बात करें तो हम क्या बोल जाता है, इंडिया इज ए सोवरेन, है ना, इस तरह से बोलता है, इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस तरह से कहा जाता है। तो सोवरेन भी देखने को मिलता है, डेमोक्रेटिक भी, सोशलिस्ट भी देखने को मिलता है, बट रिपब्लिक से पहले फेडरल देखने को नहीं मिल रहा। तो आपसे वही तो पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट डैश मैंडेट्स टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, RTI। आज के टाइम आप लगा उसकी फुल फॉर्म राइट टू इन्फॉर्मेशन है। ये RTI एक्ट कौन सा वाला है, 2003, 5, 2004 वाला कौन सा है, जिसके अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेशन सरकार से किसी भी चीज़ की लेना चाहते हो ले सकते हो, टाइमली आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो RTI एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 10 रुपीज़ की पेमेंट के साथ आप आज भी सिंपल वे में आप RTI वगैरह अप्लाई कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2005 में ये इफेक्ट में कब से आया था, 15 जून 2005 से इफेक्ट में आया था। एग्जाम में पूरी डेट भी आपसे पूछी गई थी। आगे चलेंगे। कहा जा रहा है अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करेंगे। आपको कमिटीज, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो, या फिर मैं अपनी पॉलिटी की बात जो मैं पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन में, उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे बना था वो मैं बता रहा था। वहाँ पे दो तरह की कमिटीज थी, मेजर कमिटीज जो 8 थी, माइनर कमिटीज जो कि 13 थी। मेजर कमिटीज की मैं ट्रिक्स वगैरह बता रहा था, वहाँ पर मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे अल्लाह का नाम भी है, कृष्णा का नाम भी, जहाँ पे अल्लाह भी है कृष्णा भी, तो क्रेडिट वो जाएगा ही जाएगा। तो ये कौन सी कमेटी के चेयरमैन थे, क्रेडिट यहाँ पे आपको देखने को मिला, क्रेडेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पावर आपको जवाहरलाल नेहरू करवाया था, बिजनेस वाले आपको मुंशी कराया था, ये जेबी कृपलानी हो जाएंगे इस तरह से। तो इसका जो आंसर है वो क्रेडेंशियल कमेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 260 की बात करें। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड बिफोर 1919, 1919 से पहले इनमें से कौन सा, अगर हम बात करेंगे कौन सा, क्या बोलूँ उसको मैं, इनमें से कौन सा इंसिडेंट उस 1919 से पहले हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, चोरी चोरा इंसिडेंट, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा सा बारीकी से, बिल्कुल सिंपल हिस्ट्री को ऊपर ऊपर से भी बड़ा आपको पता होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन द्वारा करवाया गया था। तो 1905 में हुआ था ना, तो वही पूछा गया 1919 से पहले क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है शेयर कीजिएगा, जितना आप शेयर करोगे उतना ही बेटर, मेरी तरफ से भी कंटेंट आता जाएगा। अभी आपको देखने को मिलता है एक दिन क्लास आती है, एक दिन ब्रेक, फिर एक दिन क्लास आ रही है, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स बेटर मिलेगा, क्लास डेली भी आना स्टार्ट हो जाएगी। और अभी तो सिलेबस का वेटर है, सिलेबस आने के बाद आपको यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा कंटेंट भी देखने को मिलेगा JKP वाला। बस वीडियोज को शेयर करते रहो, इतना काम आप करते जाओ। और अगर आपको फुल कोर्स नहीं ज्वाइन करना है तो आप एप्लीकेशन देकर सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 261 में कहा जा रहा है विलियम हॉकिंस से, क्वेश्चन आपको कल भी कराया था, बट इस पर क्वेश्चन घुमा के पूछा गया। विलियम हॉकिंस एम्परर जहांगीर से मिला, ये कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर, तो विलियम हॉकिंस वहां गए थे, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच या इंग्लिश। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बनकर जो विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल आपको मिलता है कैप्टन विलियम हॉकिंस सर थॉमस लो जहांगीर के दरबार में गए थे। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस कौन से ईयर में गए थे, कल आपको मैंने बताया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वो ईयर कौन सा है, 1609 वाला या 1615 वाला, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलेंगे। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज ऑल्सो नाउन एज मंगल वादक, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसे से मंगल वादक के नाम से भी जाना जाता है। चार तरह के ऑप्शन आपको दिए गए, शहनाई, तबला, संतूर, डमरू। तो शहनाई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्ला खान का नाम आता है, शहनाई का नाम सामने आता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वुडन पाइप होती है, 7 होल्स उसमें देखने को मिलते हैं, तो इस तरह से आपको उसके बारे में पता होगा, शहनाई के बारे में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 263 की बात करेंगे। लेटर सीरीज से क्वेश्चन बना हुआ है, क्या पैटर्न बन रहा है वो देखा जाएगा। SKHM, देखो एस जो है, अगर हम ध्यान दें पहले पहले ऑप्शन की तरफ ध्यान दें, एस हमारे पास 19 नंबर पे आता है, ओ हमारे पास 23 नंबर पे आता है, मैं क्या कर रहा हूँ, ओ हमारे पास 20 नंबर पे आता है, नहीं, 15 नंबर पे आता है, कुछ मिस्टेक मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ ना, इसको ठीक कर देता हूँ। एस हमारे पास 19 नंबर पे आता है, ओ हमारे पास 15 नंबर पे आता है, यहाँ का पहला लेटर के है जो कि 11th नंबर पे आता है, यहाँ का पहला लेटर जे जो कि 7th नंबर पे आता है। तो यहाँ पे भी चार लेटर आएंगे, तो पहला लेटर क्या हो जाएगा, देखो 19 से अगर आप 4 माइनस करो तब भी 15 आएगा, 15 में से 4 माइनस करो तब भी 11, 11 में से 4 माइनस करो तब भी 7 आएगा, 7 में से 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर क्या आता है, सी आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ए बी या सी में से कोई आंसर रहने वाला है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अब हम एक काम करते हैं सेकंड लेटर देख लेते कौन सा आने वाला है। यहाँ पर के है जो कि 11th नंबर पे आता है, यहाँ पर ओ है जो कि 15 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है। तो पैटर्न क्या है, प्लस 4 का पैटर्न देखने को मिल रहा है, प्लस 4, प्लस 4, आगे भी प्लस 4 करना पड़ेगा।
23 में 4 ऐड करेंगे 27, 27 का मतलब क्या हो गया ए, तो सी के बाद ए आना चाहिए, सी के बाद ए आपको बी या सी डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो इनमें से कोई भी सही हो सकते हैं। हम चलेंगे थर्ड लेटर की तरफ, वहां से सारा क्लियर हो जाएगा। अगर एच की बात करेंगे, 8 नंबर पे आ रहा है, डी 4th नंबर पे आ रहा है, जेड 26 नंबर पे आ रहा है, बी 22 नंबर पे आ रहा है, तो -4 -4 वाला कंसेप्ट चल रहा है, तो 22 में से 4 अगर हम माइनस करेंगे तो 18 18 नंबर पे क्या आता है, आर आता है, तो सी ए के बाद आर आना चाहिए था, वो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग के मैक्सिमम चैप्टर करवा दिए एप्लीकेशन में, आज भी जाकर अगर आप ज्वाइन करोगे उनको आराम से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 5 का रिलेशनशिप 27 के साथ है ना, तो 5 का 27 से कैसे रिलेशनशिप बन सकता है। देखो अगर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20, और उसमें 7 ऐड करो 27 बन जाएगा। अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करो 4 से 32, और अगर आप 7 ऐड करोगे तो आपके पास 39 बन जाएगा। अगर आप पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते 25 और 2 आपको ऐड करना पड़ता, फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते 40, एक माइनस करना पड़ता, पैटर्न बन नहीं रहा था। यहाँ से पैटर्न सेम बन रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करके 7 ऐड करो, भाई मुझे यहाँ पे भी करना है। 7 को मल्टीप्लाई करो 4, 28 28 में अब 7 ऐड करो 35, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कौन से दो डिजिट ऐसे हैं जो अगर आप इंटरचेंज करो तो इक्वेशन आपकी सही बन जाएगी। तो पहले ऑप्शन को ट्राई करते हैं, इसमें कहा गया 3 और 4, मतलब 3 की जगह 4 लिखो, 4 की जगह 3 लिखो। अगर हम ऐसा करते हैं हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 की जगह मैं 4 लिखता हूँ, तो 47 + 1152 * 8 / 768 - 4 की जगह 3 लिखना पड़ेगा 37, है ना। ये मेरे पास जो अगर ये 22 बन जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 22, राइट हैंड साइड भी 22, का मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट उसके लिए इस पूरे का आंसर 22 आना चाहिए। अभी हम चेक कर सको सॉल्व करेंगे। देखो अगर मैं 47 को ऐसे रखूँ प्लस 1152 को ऐसे रखूँ, मल्टीप्लाइड बाई 8 है, डिवाइड को मैं यहाँ पे नीचे ला सकता हूँ 768 ऐसे कर सकता हूँ, -37 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। इस वाले क्वेश्चन को मैं इरेज कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद ये जो 1152 है इसको मैं 8 से, क्योंकि बोर्ड मास्क में यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाइडेशन पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 1152 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16 आता है मेरे पास, यहीं पर कर लेता हूँ। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16 आता है, 1 कैरी चल जाएगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो 40 आता है, तो 40 + 1 = 41, 4 कैरी चल जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 8 + 4 = 12, 2 लिखो 1 कैरी चल जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो 8 + 9, यानी कि इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, 9216 बन रहा है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 47 + 9216 / 768 - 37, मुझे अब ये सॉल्व करना है। अब मैं एक काम करता हूँ, 9216 और 768 की बात करूंगा, इसको मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज करके इस पोर्शन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए स्लो हो रहा है, बाकी आप इसको फास्ट वे में आराम से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 9216 / 768 है, मुझे पता है यहाँ पर लास्ट में 68 है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 का टेबल यूज करना चाहूँ तो 4 × 1 = 4 = 28 4 × 7 = 28, ये 4 के टेबल में कट रहा है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के जो दो नंबर हैं वो 4 के टेबल में आने चाहिए, है ना, ये हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है। तो 4 × 4 ये कितना बन जाएगा 36, 4 × 9 = 36, 4 × 2 = 8, है ना, ये 4 × 4 था। यहाँ पे 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 0 करके 4 × 4 = 16 बन जाएगा। फिर से 4 के टेबल में करता है, बिल्कुल करता है 4 के टेबल में, 4 × 4 = 16, 32 बन जाएगा, तो 4 × 8 = 32, 4 × 5 = 20, ये 30 बन जाएगा, 4 × 7 = 28, 24 बन जाएगा, 4 × 3 = 24। अब मेरे पास क्या बच गया, ऊपर 576 नीचे 48, ये फिर से 4 के टेबल में आ रहा है, 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 17 बन जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, तो 12 × 12 = 12, 12 × 12 = 144। तो मेरे पास इसको सॉल्व करने पे 12 आंसर आ रहा है। मैं सिंपली क्या लिखूंगा, 47 + 12 - 37, 47 + 12 कितना हो जाएगा 59, 59 में से 37 जब आप माइनस करो तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आपके पास यहाँ पे 40 50, बिल्कुल 22 आपके पास आ रहा है। इसका मतलब जब मैं 3 और 4 को मैंने रिप्लेस करा, इस पूरे को सॉल्व करने पर 22 आ गया, यहाँ पे भी 22 है, LHS = RHS, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मैथ के बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 266 की बात करें, कहा जा रहा है 30 है, उसके बाद 83 118, यहाँ पे क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, वो पैटर्न आपको पहचानना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मैं पैटर्न की बात करूँ, देखो यहाँ पे तो मैं फाइंड नहीं कर पा रहा,
बट अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 160 से 210 की तरफ जाएंगे तो 50 ऐड किया हुआ है ना, ऐसे देखने को मिल रहा है। 118 से अगर 160 पे जाऊंगा तो कितना ऐड किया हुआ है, 42 ऐड किया हुआ है। अगर मैं 83 से 118 की तरफ जा रहा हूँ तो 90, 10, 10, 20, 28, 2, 30, 36 ऐड किया हुआ है ना, ऐसे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या ऐड किया होगा, देखो यहाँ पर क्या है, 36, 42, मतलब यहाँ पे अगर मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन करता हूँ ना, 97 है ना यहाँ पे, 90, 10, 10, 20, 28, 2, 30, 35 यहाँ पर आता है ना, 35, 35 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे, इन दोनों में 8 का गैप है, इन दोनों में 7 का गैप है, तो इस वाले नंबर और इस वाले नंबर में 6 का गैप होना चाहिए था। तो 35 में 6 माइनस करिए 29 है ना, तो फिर उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे 5 का गैप होना चाहिए था, मतलब 29 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अगर मैं 30 में 24 ऐड करूंगा तो कितना जाएगा, 54 आ जाएगा है ना। तो 54 में अगर मैं 29 ऐड करूँगा, 50, 70, 79, 83, बिल्कुल सही आंसर है, तो 54 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन नंबर सीरीज वाली कैटेगरी से क्वेश्चन का डिफिकल्टी आ रही है तो बेसिक समझेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 54 यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, पैटर्न क्या था, +4 +5 +6 +7 +8, ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टेटमेंट कंक्लूजन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर्स, सभी कैलकुलेटर मार्कर हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये कैलकुलेटर हैं, सभी कैलकुलेटर जो हैं वो मार्कर हैं, ये मैंने मार्कर बना दिया। कुछ मार्कर जो हैं वो पेंसिल हैं, कुछ मार्कर पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल जो हैं वो इरेजर हैं, मैंने इस तरह से बना दिया। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं, पहले में कहा जा रहा है कुछ इरेजर और मार्कर हैं, कुछ इरेजर मार्कर हैं, कुछ रिलेशन डिफाइन है, यहाँ पर है यहाँ पर है, तो हम नहीं कह सकते इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो गया। सम पेंसिल और कैलकुलेटर, कुछ पेंसिल जो है कैलकुलेटर हैं, कोई डिफाइन नहीं है, कोई इसमें कनेक्शन है ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज, ना ही पहला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है ना ही सेकंड कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268 में कहा जा रहा है कि MIN मिन, FIN फिन, DIG डिक, इसका मतलब है सोहन इज इंजीनियर। फिर कहा जा रहा है SIC सिख, RIC रिक, DIG डिक का मतलब है, आगे FIN भी लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये थोड़ा बड़ा किया हुआ है इसको, इसको इरेज कर लेते हैं। FIN का मतलब है प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर इज टफ, ये दिया गया है। तो पता ना सोहन का कोड क्या हो जाएगा, तो सोहन के कोड की बात करेंगे, देखो इज और इंजीनियर यहां पर भी है, इज और इंजीनियर यहां पर भी है, अगर ऐसा है तो दो वर्ड्स कॉमन भी देखने को मिलेंगे, एक फिन कॉमन देखने को मिला आपको और दूसरा क्या कॉमन देखने को मिला, तो मैं यहाँ पे शायद से मिस्टेक कर चुका हूँ, यहाँ पे ये भी DIG डिग रहा होगा, तो ये डिग और डिग भी यहाँ पे आपको कॉमन देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से दो कॉमन लेटर यहाँ पे कट गए, तो बच जाएगा सोहन और बच जाएगा मिन, तो मिन यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। इस तरह से जो क्वेश्चन का आंसर है वो मिन आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, बाकी कोई मिस्टेक करूंगा देख लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 269 में कहा जा रहा है 115 178 241 304, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो 115 से 178 तक जाने कितना आपको ऐड करना पड़ेगा, 8 में से 5 के 3, 7 में से 1 के 6, 63 आपको ऐड करना पड़ रहा है। 241 अगर आप 304 पे आपको जाना, 4 से 1 के 3, यहाँ पर 63, सिंपल सा पैटर्न क्या है, +63 यहाँ पे किया जा रहा है, तो 304 में 63 अगर आप ऐड करोगे तो 367 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके सामने आते जा रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग आपको बताना है क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब किसी चीज को रोकना है ना, तो ब्लॉक आप बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। 271 में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसे जो पहला डेवलपमेंट बैंक था इंडिया का, चार तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, बट जो आपको इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पहला डेवलपमेंट बैंक था इंडिया का। तो आज आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी जो ये प्रेजेंटेशन तैयार करेगी आपके लिए, ये लगभग रात को 7-8 बजे के करीब तैयार करी गई थी, उसके बाद लाइव क्लास होती है हमारी एप्लीकेशन पे, वो एंड होते तो 9:30 बज गए, तो ये वीडियो आपके पास 11 बजे तक पहुंचेगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है सेशन को मैं यहाँ पर एंड करने वाला हूँ, मिलेंगे अब इसके बाद नई वीडियो में, तो वीडियोज को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।